से अगर 10 साल छोटा दिखना है तो अपनी थाली से इस चीज को निकाल करके बाहर रख दे, आप हमेशा अपनी उम्र से 10 साल तक जवान दिखने वाले हो। बुढ़ापा तो भाई आपसे हमेशा फिर दूर भागता रहेगा। तो भाई आज का वीडियो देखना 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार में, और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। वैसे दोस्तों टाइटल और थंबनेल देख के समझ में आ ही गया कि आज मैं कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर आपको ज्ञान देने वाली हूँ। यस, आज जिस टॉपिक के ऊपर ज्ञान देने वाली हूँ वो है नमक। देखिए, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसके बिना कोई स्वाद नहीं, और जो अगर आपके खाने में या फिर अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा पड़ गया तो भी उसका स्वाद जो है किसी भी चीज़ का स्वाद खराब हो जाता है, चाहे आपकी सब्जी बनाते हो या फिर आपकी लाइफ में बिना नमक के लाइफ नहीं होती है ना। बोलते हैं ना यार कुछ तो फीका है, वही नमकीन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाई अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो आपके स्वाद के लिए भी सही नहीं और आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो जैसे कि टाइटल में मैं डाली हूँ, थंबनेल में डाली हूँ कि अपनी थाली से बस एक चीज़ को निकाल के अलग रख दें और वो है नमक। ठीक है ना, नमक जो होता है ना, अगर आप लो बीपी के पेशेंट हो, अगर आपको लो बीपी है तो डॉक्टर कहते हैं कि नमक थोड़ा सा ज़्यादा खाना चाहिए, है ना, ऐसा ही बोलते हैं ना कि नमक का इस्तेमाल कीजिए। बट उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत 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 ज़्यादा नमक खाने लगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाने लगते हैं, अगर आपको एक्चुअली आदत है ऊपर से नमक खाने की, बहुत लोगों को आदत होगी, देखिएगा कुछ भी आप बना दें एकदम से परफेक्ट, सब्जी में नमक हो, चाहे दाल में परफेक्ट नमक हो, चाहे कुछ भी आप बना कर देते हो, लेकिन नमक उसमें सही रहता है, लेकिन फिर भी उनको ना थाली में अलग से नमक लेकर के खाने की आदत होती है। क्या भाई, तो नमक अलग से लेना है। वो जो नमक, इतना सा जो नमक है वो आपके लिए कहीं ना कहीं वो जहर का काम करता है, आपकी स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए, मीन्स किसी के लिए भी सही नहीं होता है। तो अगर आपकी भी ये आदत है कि भैया अपने स्वाद को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हो, तो आज से ही सुधर जाए, नमक का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना बंद कर दे, यानी कि थाली में अलग से नमक रखना बंद कर दे। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हो तब तो भैया आज से ही बंद कर दे। बहुत को होता है अगर हाई बीपी की परेशानी है, उनको बीपी प्रॉब्लम है, फिर भी नमक ऊपर से खाने में मतलब परहेज नहीं करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बहुत के घर में आप देखोगे वो मिर्ची का वो एक अचार होता है जो बीच से कटा होता है, मिर्ची लेमन के अंदर डाल करके रखा होता है, उन्हें क्या लगता है कि ऊपर से नमक नहीं खा रहे हैं बट ये वाला मिर्ची खा रहे हैं, तो टेस्ट अच्छा है, इससे हेल्थ भी सही रहेगा मेरा, बट इसमें नमक नहीं है, बट उसमें इतना ज़्यादा नमक होता है जो कि आपके हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह से खाते हो या फिर इस तरह से खाते हो जैसे मैं अगर आपको बताई हूँ, तो वो भी आप बंद कर दें, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं रहने वाला है। तो सिंपल लैंग्वेज में बस एक लाइन में ही आपको आज का ये वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ कि बस एक चीज़ को अपने ज़िंदगी से कम कर दें, आपकी खूबसूरती और आपका हेल्थ जो है बहुत सही रहने वाला है। तो आज का वीडियो इसी बात के ऊपर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।